इस साल अप्रैल 2022 में वाराणसी की एक निचली अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिसके बाद इसका सर्वे पूरा हो पाया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद शिवलिंग मिलने का दावा पेश किया गया। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि वहां मिला शिवलिंग वजू खाने में लगा एक फवारा है। इसके बाद स्थानीय अदालत ने उस जगह को सील करने के आदेश दिए। वाराणसी में काशीनाथ मंदिर और उससे सटी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफी कम है। आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने तुड़वा दिया था और वहां मस्जिद बनवा दी थी, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज को देखने समझने पर यह मामला इससे अधिक पेचीदा दिखाई देता है। तो चलिए जानते हैं ज्ञानवापी मस्जिद का प्राचीन इतिहास क्या है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के संबंध में औरंगजेब के आदेश को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज से ये बातें प्रमाणित नहीं होती। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के सरके सुल्तान ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था, लेकिन कई इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। इसका कारण वे सरके सुल्तान की ओर से कराए गए किसी भी निर्माण कार्य और मंदिर तोड़े जाने के किसी साक्ष्य का न होना बताते हैं। जहाँ तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है, तो इसका श्रेय अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल को जाता है। राजा टोडरमल ने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की सहायता से इस मंदिर का नव निर्माण करवाया था। दूसरी ओर इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ और मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने ही दिया था। प्रोफेसर डॉक्टर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने करवाया, इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण भी करवाए थे। एक बात और, यह काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराया, यह बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत नहीं थी। इतिहासकार एलपी शर्मा ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के पृष्ठ संख्या 232 पर उन्होंने लिखा कि 1669 में सभी सूबेदार और मुसाहिबों को हिंदू मंदिर और पाठशाला को तोड़ने की आज्ञा दी थी। इसके लिए एक प्रथम विभाग भी खोला गया। यह तो संभव नहीं था कि हिंदुओं की सभी पाठशाला और मंदिर को नष्ट कर दिया जाए, परंतु वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवनाथ मंदिर, पटना का सोमनाथ मंदिर और प्राय सभी बड़े मंदिर, खास तौर पर उत्तर भारत के मंदिर इसी तरह से तोड़े गए थे। वरिष्ठ पत्रकार योगेश शर्मा के अनुसार अकबर के समय में टोडरमल ने मंदिर बनवाया, करीब 100 साल बाद औरंगजेब के समय में मंदिर ध्वस्त हुआ और फिर आगे लगभग 125 साल तक यहां कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। साल 1725 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया। वे आगे कहते हैं कि पुराणों में जिस विश्वनाथ मंदिर का जिक्र मिलता है, उसका इस मंदिर से कोई संबंध नहीं है। इतिहासकारों के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ज्ञानवापी के पास आदि विश्वेश्वर मंदिर के बारे में जरूर कहा जाता है कि यह वही मंदिर है जिसका पुराणों में वर्णन है। मंदिर टूटने के बाद मस्जिद बनी और ज्ञानवापी कूट के नाम पर मस्जिद का नाम ज्ञानवापी पड़ा। ज्ञानवापी कूट आज भी मौजूद है। काशी विश्वनाथ मंदिर के दावों का समर्थन करने वाले विजय शंकर रस्तोगी कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था। उस समय औरंगजेब ने मस्जिदें बनवाने का फरमान भी जारी किया था। रस्तोगी के अनुसार बाद में मंदिर के अवशेषों पर ही मस्जिदें बनाई गई। मंदिर बनने के ऐतिहासिक साक्ष्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकार प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि मंदिर टूटने के बाद यदि मस्जिद बनी है तो इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा उस दौर में कई बार हुआ था। उपासना स्थल कानून 1991 और ज्ञानवापी मस्जिद की याचिकाएं 18 सितंबर 1991 में बने इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। उनका नियंत्रण जिसके पास है उसी के पास रहेगा। उनके धार्मिक स्वरूप संरचना में किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अयोध्या मामले को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि अयोध्या से जुड़ा मुकदमा आजादी के पहले से अदालत में लंबित था। साल 1991 में सर्वेक्षण के लिए अदालत गई याचिकाकर्ता हरिहर पांडे बताते हैं कि साल 1991 में हम 3 लोगों ने यह मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे के दायर होने के कुछ दिन बाद ही मस्जिद प्रबंध कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उपासना स्थल कानून 1991 का हवाला देकर इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था, लेकिन स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक
एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट ने फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और इस सुनवाई के बाद मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई। आपको क्या लगता है, यहाँ पहले मंदिर था या ये सिर्फ एक धारणा मात्र है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।